हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग तो भिंडी की कई तरह की सब्ज़ी खाए होंगे। आज जो हमारा भिंडी का सब्ज़ी है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैं आप लोगों के लिए भिंडी की एक डिफरेंट और न्यू स्टाइल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे झटपट बना सकते हो और काफ़ी डिफरेंट टेस्ट आएगा आप लोगों को। शायद बहुत लोगों ने ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, हम अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भिंडी को अच्छे से धो करके ऐसे कट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। बीच में कट लगा करके ऐसे लंबे लंबे कट कर ली हूँ। एक हरी मिर्च और 5-7 लहसुन की कलियां को मैं दस्ता में डालकर कूट ली हूँ। आप चाहे तो ग्रेड भी कर सकते हैं। मैंने रख दी थी, थोड़ा तेल का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा इस सब्जी में, तो हमारा तेल जैसे ही हीट हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून राई। हमारा राई चटक रहा है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और 5 से 7 मीठे नीम के पत्ते। हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स 1/2 टेबल स्पून के करीब हींग। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक और मिर्ची जो मैं इमानदस्ता में कूट कर रखी थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज के प्याज। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये जो हमारा आज का भिंडी का सब्जी है ये काफ़ी यूनिक रेसिपी है। शायद ये रेसिपी आप पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे, तो इसे एक बार ट्राई जरूर करिए अपने घर पे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, हमें प्याज यहाँ ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सुनहरा करना है। देख सकते हैं हल्का गोल्डन कलर में आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा कटा हुआ भिंडी। हमारा भिंडी सारा इसमें ऐड कर दूंगी। सीक्रेट ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों के साथ। हमारा ट्रिक्स ये है कि आप भिंडी को ऐड करते ही इसमें अगर 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर ऐड कर देते हैं तो हमारा भिंडी जो लसलस करता है वो नहीं करेगा। तो इसमें भिंडी ऐड करते ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में ही पकाएंगे। सिर्फ 2 मिनट से पकाना हाई फ्लेम में ढककर। देख सकते हैं हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई है फ्रेंड्स। 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके ढक्कन को हटा करके इसे एक बार चलाती हूँ। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ कुछ मसाले ऐड। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करती हूँ 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम और इसे ढक देंगे ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से पूरी सब्जी में मिक्स। ढक कर इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ। देख सकते हैं ये हमारा भिंडी की सब्जी बन चुकी है। बट अभी इसमें एक प्रोसेस करना बाकी है। हमारा वो प्रोसेस क्या है मैं आप लोग को बताती हूँ। अब फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूँगी नारियल का बुरादा। मैं ये बुरादा ही खरीद कर लाई थी, इजली दुकान में अवेलेबल होता है। अगर आपको ना मिले तो आप कच्चा नारियल या गढ़ी को भी ग्रेट करके ये बुरादा तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखें हमें इसको डालने के बाद ज़्यादा देर कुक नहीं करना है क्योंकि ये जल जाएगा। 2 मिनट तक हमें इसे बस हल्का रोस्ट करना है ताकि ये जो हमारा नारियल का बुरादा हल्का रोस्ट हो जाए, मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और भिंडी में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट तक इसे हमें ऐसे चलाना है।
है ना फ्रेंड्स, काफी यूनिक तरीका है, तो इसे घर पे जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा भिंडी का न्यू स्टाइल का सब्जी बनकर रेडी है। अभी मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, है काफी यूनिक रेसिपी है, तो इसे अपने घर पे ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, है ना काफ़ी न्यू रेसिपी ये, मुझे पता है बहुत से लोग इसे ट्राई नहीं किए होंगे, तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करें। मुझे पता है घर वालों को, फैमिली को, बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।